किम जून वू नाम का एक आदमी खो गया है। उसकी उम्र 31 साल है और येलो कलर की शर्ट पहनी है। फ्लाइट AB-127 के लिए गेट नंबर 6 से चेक इन किया है। अगर आपको दिखाई दे तो सिक्योरिटी को खबर करें। थैंक यू। प्लेन निकलने में अभी 1 घंटा बचा है। सबसे पहले बोर्डिंग गेट पर जाकर चेक करो और फिर बाकी जगह चेक करना। ओके। मेंस वॉशरूम में जाकर भी चेक करो क्योंकि उसका मिलना बहुत जरूरी है। यस मैम। ओके। मैं यांगसू कुन बोल रही हूँ। गेट नंबर 6 के आसपास सभी कैमरे अच्छे से चेक करो। देखो कोई पीली शर्ट वाला आदमी जो अजीब सा बर्ताव कर रहा हो, जैसे ही देखे मुझे खबर करो। नहीं, कुछ लोग हैं आसपास मगर येलो शर्ट वाला कोई नहीं है। कहीं दिखाई दिया? हाँ, मिस यांग, मुझे अभी तक ऐसा कोई आदमी नहीं दिखाई दिया है। ठीक है, जल्दी से अभी निकलो और चेक इन काउंटर पर चेक करो। हमें किसी भी हाल में उस आदमी को ढूंढना होगा, समझे? हाँ मैडम, समझ गया। सबने सुना, वापस चलो, हमें चेक इन काउंटर की तरफ जाना है। क्या मतलब है, नहीं मान रहे हैं? मैंने कब से समझा रही हूँ, हमें 40 मिनट से ज्यादा नहीं लगेंगे, पर मिस्टर ली मान ही नहीं रहे। 2 हफ्ते पहले भी हमने मदद की थी और उसके चक्कर में हमारी फ्लाइट लेट हो गई थी। आई एम वेरी सॉरी, मैं कुछ नहीं कर सकता। सर, हमारा प्लेन रनवे पर खड़ा है और पैसेंजर्स को निकलना ये है। सब फ्लाइट लैंड करने से पहले सोचना चाहिए था। आपने सुना ना सर? हाँ हाँ, सब सुना। तो बताइए क्या करूँ? फोन स्पीकर पे डालो तुम। मैं रैंप मैनेजर पाक ते ही बात कर रहा हूँ, समझ सकता हूँ मैं, लेकिन हम शांति से इसका हल निकाल सकते हैं। हाँ, हम एक दूसरे की मदद नहीं करेंगे तो और कौन करेगा? आप दोनों मेरी बात समझ रहे हो ना? मैनेजर पाक, आप भी केएल एयरलाइन की तरफ हैं? मैं किसी की भी तरफ नहीं हूँ। काम अच्छे से निपट जाए, यही मेरा काम है। आज आप हमारी मदद करिए, कल हम आपकी मदद करेंगे, ऐसे ही तो काम होता है ना सर? अगर आज फिर से फ्लाइट डिले हुई तो उसका जिम्मेदार कौन होगा, इसीलिए कह रहा हूँ मैं। तो मतलब आप गेट नहीं खोलेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। फिर तो मिसो, आप बोर्डिंग गेट से ही एग्जिट करवा लीजिए, यही अच्छा। मैनेजर पाक, आखिरकार आपको देर होने के लिए माफी तो मांगनी पड़ेगी। जाते जाते पैसेंजर्स को बता देना कि उन्हें थोड़ा लंबा चलना पड़ेगा। किसी पैसेंजर ने कंप्लेन की तो वो मेरी जिम्मेदारी नहीं होगी। तो मैंने कहा था प्लेन को जल्दी लैंड कराने के लिए, तुम्हें तो मैं सलाह दे रहा हूँ। मानना ना मानना तुम्हारी मर्जी है, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। आई एम सॉरी। अगर इतनी शिकायत करनी है तो जाओ और खराब हवा के लिए शिकायत करो, जिसकी वजह से प्लेन जल्दी लैंड कराया, टाइम खत्म होता जा रहा है। जो करना है जल्दी करो। अगर गेट नहीं खुला तो हम सबके नाम का वार्निंग लेटर बनेगा, याद रखना। फिर वहाँ हमें पूरा समय मिलेगा एक दूसरे की गलतियाँ निकालने का। अगर वार्निंग लेटर नहीं चाहिए तो गेट खोल दो। अब जो करना है जल्दी करो। एक जरूरी सूचना, एयरपोर्ट पर गेट फ्री ना होने के कारण अराइवल में देरी हो सकती है। कृपया आपका सहयोग दें और अपनी सीट पर बैठे रहें। आई रिपीट, ड्यू टू गेट सिचुएशन एट द एयरपोर्ट। सॉरी। मैं अंदर जाकर देखता हूँ, तुम यहीं रहना, कहीं जाना मत। जूनियर होकर मुझे ऑर्डर देता है, सीनियर से कैसे बात करते हैं पता ही नहीं। KR-097, हम लोग टेक ऑफ के लिए तैयार हैं। KR-097, रोमियो 2 पर वेट कीजिए। जल्दी बताओ रैम की क्या खबर है? जो भी करना है जल्दी करो, गेट खोलो, पैसेंजर्स को वेट नहीं करा सकते। इतनी देरी क्यों हो रही है, हमें वजह जानना है। चालीस मिनट मांगे हैं,
तो बस उतने ही मिलेंगे, उससे एक मिनट भी ऊपर नहीं मिलेगा। और आज डिले हुआ तो रैम मैनेजमेंट से मैं खुद शिकायत करूंगा, याद रखना। गेट खोलो जल्दी। यस मैम। यस मैम। क्या हुआ? चलो बढ़िया हुआ। मिस जोई, KR-097 के लिए गेट नंबर 6 खोल दो। हाँ ठीक है सर। मैं तो थक गया, कुछ मीठा खाने का मन कर रहा है। कभी कभी लगता है ये नौकरी मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती है। इसमें तो, इस ग्लास में तो सिर्फ बर्फ ही भरी हुई है। देरी के लिए माफी चाहते हैं। हैव अ गुड डे, गुड बाय, टेक केयर मैडम, अपना ध्यान रखिए, टेक केयर। बदल क्यों दिया? क्या सर? प्लेन। अच्छा, ये बस एक बार प्लेन अनलोड हो जाए तो उसे दूसरे गेट पर लगा देंगे। मौसम खराब होने की वजह से प्लेन जल्दी लैंड हो गया, और क्योंकि और कोई गेट खाली नहीं। कहा ऐसा करने के लिए? मुझे बिना बताए तुमने ऐसा क्यों किया? सर आप ठीक तो हैं? ये तो हमारी स्टाफ मेंबर है गेट नंबर 6 के पास। सर आप ठीक तो हैं? गेट के पास जो आदमी घूम रहा है उस पर जूम करो। हाँ, उस पर फोकस करना। इसने पीले शर्ट पर जैकेट पहना है, मुझे यकीन है यही है वो आदमी। हाँ अभी करता हूँ। सबके वायरलेस ऑन है ना? मुझे वो आदमी मिल गया है। हाँ, उसने पीले शर्ट पर नेवी ब्लू जैकेट पहना है और वो गेट नंबर 6 पर है। गेट नंबर 6 पर चलो जल्दी। यस सर। यूरिम, क्या तुम्हें मेरी आवाज आ रही है? मेरे ख्याल बस उसका वायरलेस ऑफ हो गया है मैम। उसे जल्दी फोन करो, वो खुद कुछ नहीं कर पाएगी। सिक्योरिटी, प्लीज गेट नंबर 6 पर जाइए। वो आदमी जिसे स्किज़ोफ्रेनिया है वो वहीं पर है, जल्दी जाइए। क्या मुझे मिस हैन का नंबर मिल सकता है? मैं उनकी टीम में काम करता हूँ। अरे तुम्हारी बात कैसे हुई? प्लेन बदलने की? बताओ तुमने ऐसा क्यों किया? मेरे पास टिकट है। प्लेन क्यों बदला? क्यों बदला? किम यून हो? क्या तुम किम ग्युन वो हो? कौन हो तुम? तुम्हारी माँ तुम्हें ढूंढ रही है, मैं तुम्हारी मदद के लिए आई हूँ, मेरे साथ चलो। तुम कौन हो? पुलिस हो? सुनो, डरो मत, मैं पैसेंजर सर्विसेज से हूँ। देखो, तुम्हारी माँ तुम्हें ढूंढ रही है, तो तुम मेरे साथ चलो। ठीक
ठीक है? मेरे पास मत आना। तुम मुझे पकड़ने आई हो ना, मुझे पकड़कर फिर से जेल में डाल दोगी। जाओ जाओ यहाँ से। मैंने कहा जाओ, जाओ ना। मैं तुम्हारी मदद के लिए आई हूँ, शांत हो जाओ, मेरे साथ चलो, मेरे जाओ साथ। यहाँ से। याद आ गया, ये वही है। ये तो वही है। ये तुम्हारी माँ ने तुम्हें देने के लिए कहा है, इसे खा लो और अपनी माँ के पास वापस चलो।